किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, yes you are best. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, I'm Ansari, aap sabhi logon ka. En esta noche, la vida es completa. Shah Rukh Khan ki film Pathaan ke day number 5 ke, the all important crucial day number 5 ke advance booking episode mein tahe dil se hardik swagat karta hu. Kya ho raha hai mera bhai? गड़ी है बाली कह बाहुबली. अरे भैया आइए आइए भाई, बाहुबली आइए, आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. आ जाइए. देखो सुल्तान आइए. भैया राखी भाई आप भी आ जाइए, आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई. आ जाइए. हिस्ट्री हैज बीन सेट. शाहरुख खान ने हिंदी फिल्मों की तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. वो दो पिलर्स जो यहाँ पर खड़े हुए थे, एक KGF चैप्टर 2 का एंड एक बाहुबली 2 द कंक्लूजन का, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ब्रेस योरसेल्फ, हियर आई प्रेजेंट टू यू द फास्टेस्ट 200 करोड़ इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, शाहरुख खान पठान. इसके पहले KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन ने 5 दिनों में 200 करोड़ कमाई की थी. बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी वर्जन ने 6 दिनों में 200 करोड़ कमाई की थी. शाहरुख खान आए एंड सैलाब की तरह जितने भी मदन चोपड़ा सबको उड़ाकर लेकर चले गए एंड सिर्फ 4 दिनों में 200 करोड़ कमाई कर ली है. तो गाइस, डे नंबर 4 अपना प्रेडिक्शन था 54 से 55 करोड़ जो है ये फिल्म कमाएगी एंड ट्रेड ने हिंदी वर्जन का जो यहाँ पर एस्टिमेट दिया है वो है 52. तो हमें पकड़ के चलते हैं कि बाकी सब भाषाएं मिलाकर 54 करोड़ तो आना ही है एंड प्रोड्यूसर फिगर विल अराइव एट 55 करोड़. इसका ग्रॉस होता है 65. और भैया इधर आइए, कल क्या बोला था भैया विदेशों में कितना पैसा कमाएगी? 40 करोड़. वेल फ्रेंड्स, द फिल्म वेंट कंप्लीट ओवरड्राइव इन द ओवरसीज मार्केट्स एंड जहां पर हमको लग रहा था कि ओवरसीज फिल्म सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ कमाएगी, नहीं. वेल फ्रेंड्स, सैटरडे फिल्म 45 करोड़ के ऊपर जाने वाली है एंड ये वापस होगा यहाँ पे इंडिया एंड ओवरसीज कलेक्शन जो है वो बहुत करीब आ जाएंगे. अगर इंडिया में 55 नेट होगा तो ग्रॉस कहीं ना कहीं 65 होगा. 45 का ओवरसीज पकड़ लो, यानी कि शाहरुख खान की फिल्म पठान चौथे दिन भी पूरे विश्व भर में 110 करोड़ की कमाई कर लेगी. पहले बात करते हैं इंडिया की, एग्जैक्टली किसका शोर मच रहा है. 166.75 करोड़ ये इसने 3 दिनों में कमाए थे हिंदी नेट. इसमें मैं अगर चौथे दिन का कलेक्शन 55 करोड़ ऐड कर दूं देन गाइस फिल्म 211.75 यानी कि 212 करोड़ आप पकड़ लीजिए. एंड इतना ही नहीं, अगर विश्व भर में 110 करोड़ कमा लेती है देन गाइस ये फिल्म 423 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेगी सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में, जो कि क्रेजी नंबर होगा. तो भैया एपिसोड क्यों बनाए हो? एपिसोड बनाए हैं आप सभी लोगों को इस बात से रूबरू कराने के लिए कि अगर आपको लगा कि एडवांस बुकिंग पहले दिन की अद्भुत है, दूसरे दिन अविश्वसनीय है एंड तीसरे दिन चलो अच्छी खासी थी एंड चौथे दिन यू नो विश्वास से परा है, तो गाइस फोर्थ दिन, ये फिफ्थ डे जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हमारा फेवरेट डायलॉग हुआ है भाई, बडुम्बा हो गया. फिफ्थ डे एडवांस बुकिंग बडुम्बा हुआ है क्योंकि गाइस पांचवें दिन की एडवांस बुकिंग इज 27.65 करोड़, 27.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है एंड 9,40,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड. एडवांस बुकिंग में 9,70,000 टिकट्स ये बेच रहा है, सोचो किस तरह का पागलपना चल रहा है. शो काउंट पे नजर डालते हैं जरा. मुंबई कल 425 था, आज 1425 था भाई, गणित में गड़बड़ कर दे रहे हैं भाई. 1425 था, आज 1445 है. दिल्ली एनसीआर 1669 से 1676 हो गया है. हाँ, बैंगलोर 511 से 525 हो गया है. हैदराबाद 531 से 539 हुआ है. कोलकाता 544 से 551 हो गया है. अहमदाबाद 762 से 766. चेन्नई 137 से 144 हो गया है एंड लखनऊ 304 से 312 है. यानी कि सभी जगहों पर शोज जो है वो अच्छे खासे बढ़ना शुरू हो गए हैं. अब गाइस बात करते हैं एग्जैक्टली ऑक्यूपेंसीज किस तरह से है. मुंबई इज एंटरिंग द मेन मार्केट टुडे विद 41% ऑक्यूपेंसी.
एंड उतना ही नहीं, मोर देन 405 शोज ऑफ फास्ट फिलिंग एंड 100 आउटराइट हाउसफुल शोज आज पठान वो नंबर अचीव करने वाली है जो बहुत सारी आने वाली फिल्मों का पहला दिन भी नहीं होगा गाइज, ट्रस्ट मी बोल रहा हूँ। ये जो चमत्कार हुआ है 5 दिन का, ये चमत्कार शाहरुख खान के नाम के साथ ही रह जाएगा एंड गाइज आगे ये करना बहुत मुश्किल होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। एपिसोड यहीं पर रहेंगे, याद रखना आप लोग। दिल्ली एनसीआर की बात करूं, 1676 शोज में दिल्ली एनसीआर भी 40% लेके मैदान में उतरा है, शाम तक मुंबई को हरा देता हर दिन एंड गाइज दिल्ली एनसीआर में 550 अभी से फास्ट फीलिंग है। आज तो भैया इधर आइए, टिकट नहीं मिलेगी भाई, कल जाइए, कल का बुक कीजिए भाई टिकट, आज तो घर जाइए आप। पुणे में 543 शोज में 33% ऑक्यूपेंसी है, लुक एट बेंगलुरु 525 शोज। दर्शन की क्रांति आई है, शाहरुख खान अपने क्रांति मूड में यहाँ पर 58% ऑक्यूपेंसी, 200 फास्ट फिलिंग 100 हाउसफुल है। हैदराबाद 539 शोज है यार, 54% ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहे हैं, 200 हाउसफुल शोज है। कोलकाता 550, कल मैंने वीडियो देखा, पता नहीं वो कहाँ का है कोलकाता में, अगर आपको पता तो बताओ, पब्लिक रैली निकाली थी, शाहरुख खान जिंदाबाद जिंदाबाद, गाना बज रहा है पठान का और ट्रक में बैठ बैठ के जा रहे फैंस। हाँ एक वीडियो देखा, ट्रक भर के आए पब्लिक को पिक्चर देखने के लिए जाने के लिए, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, ये ट्रस्ट मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड गाइस कई जगहों पर महाराष्ट्र में पब्लिक इतनी आ रही है थिएटर में पिक्चर देखने के लिए कि गाइस स्क्रीन पर चढ़ चढ़ के नाच रहे उन लोग, जाकर थिएटर ओनर्स को अबे परेशानी हो रही, ऐसा यूफोरिया ऐसा माहौल देखा नहीं कहीं तो देखा। टिकट की लाइन लगी हुई है काउंटर के पास, ओवर द काउंटर टिकट सेल में लड़का सबके खोपड़ी पर चढ़ चढ़ के जा रहा है टिकट खरीदने के लिए, सिर्फ नजारा नहीं देखने मिलता नॉर्मल डेज पे गाइस। दिस इज क्रेज, ये क्रेज एंड सोशल मीडिया का जमाना, थैंक्स अ लॉट कैसे वीडियो सब तक पहुंच जाते हैं। हाँ भैया देखिए भाई ये दीवानगी देखी कभी नहीं, अरे सर आप शाहरुख की पिक्चर का गाना गा रहे हो, अरे भैया हम पता नहीं क्या हो गया भाई हमको। तो गाइस यहाँ पर बात करूं चेन्नई की, 144 शोज में 68% की ऑक्यूपेंसी है एंड गाइस भैया आज कितना होगा, आज का प्रेडिक्शन मेरा और शाहरुख खान पठान इज 62-63 करोड़ रुपीज। क्या लग रहा है, सपना है हकीकत है, अरे भैया हकीकत है भाई, उड़ जाइए, सुबह हो गई मामू। 62-63 करोड़ 5वें दिन का कलेक्शन है, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड गाइस अगर ये फिल्म आज 62 करोड़ भी कमा लेती है देन गाइस 5 दिन में फिल्म 274 से लेकर 275 करोड़ कमा लेगी। क्या बोले थे बे, केजीएफ का फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, केजीएफ फर्स्ट वीक में 269 करोड़ कमाई थी, पठान ने 5 दिनों में 275 करोड़ कमा दिया था। दिस इज एब्सोल्यूट कार्नेज, मेहम, ब्रूटल स्मैश एट द बॉक्स ऑफिस बट नन देन पठान बोलते मेरा भाई, शाहरुख खान बोलते मैसिव आउटरेज एट द बॉक्स ऑफिस, ट्रस्ट मी। एंड गाइस भैया इधर आइए, 300 करोड़ तो नहीं किया ना भाई, एंड अगर 300 करोड़ का रिकॉर्ड सुनना है ना तो ये सुन के जाओ, बाहुबली टू द कंक्लूजन 11 दिन में 300 करोड़ हिंदी वर्जन। नेट कलेक्शन की बातें चल रही है, क्रॉस रॉस का खेल नहीं है, वो एक पिक्चर आई थी हाल ही में बेस्ट एक्टर ऑफ द डिकेड की, पहले दिन 10 करोड़ कमाई थी, किधर इंडिया नेट नहीं ग्रॉस, और पोस्टर रिलीज किया था 12 करोड़ ग्रॉस का, जैसे कि वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ रुपए कमा के बैठा था वो। हाँ नेट कलेक्शन में शाहरुख खान खेल रहा है, फाड़ रहा है यहाँ पर, बाहुबली टू द कंक्लूजन 11 दिन में 300 करोड़, केजीएफ चैप्टर 2 11 दिन में 300 करोड़, पठान मंडे को 300 करोड़ करेगा, कितने दिन में, मंडे को 6 दिन में 300 करोड़ करेगा शाहरुख खान। दिस इज इट, बॉलीवुड हैज रिजन अप एंड अब ये आंधी जो है आगे बढ़नी चाहिए, आगे जितनी भी फिल्में हैं वो डेफिनेटली मास जोन में, चाहे वो भोला हो, अब भोला आना बाकी है मेरा भाई, अब भोला, जब भोला आएगी ना ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, इसके बाद मास रैम्पेज है, बॉलीवुड मास जोन में जाने वाला है, चाहे वो पठान हो, भोला हो, किसी का भाई किसी की जान हो, जवान हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, टाइगर 3 हो, रैम्पेज मास फिल्मों का रैम्पेज होगा। ओके गाइस सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भैया इंतजार है 4th डे का ऑफिशियल कलेक्शन कैसा रहेगा, उसके लिए बहुत वेट कर रहे हैं भाई, और शर्ट कैसा लग रहा है भाई कमेंट में बताइए भाई। ये भैया हम शाहरुख का शर्ट पहन लिए, सर अब क्या कर रहे हो, अपना शर्ट क्यों नहीं पहन के आए,
अरे भैया हम भी पठान बने आज, ऑलवेज से स्टे कूल मैन।